से बड़ी खबर की, जहां पर सैनिटरी शोरूम के गोडाउन में आग लगी है। राजगीर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। तीसरी मंजिल पर यह सैनिटरी का गोडाउन बना हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुब्बारा फाटक की यह पूरी घटना है। ग्वालियर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के गुब्बारा फाटक पर सेंट्री शोरूम के गोडाउन में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें मौके के आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार देखिए आप, आग काफी ज्यादा लगी थी। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हुआ है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुब्बारा फाटक की ये पूरी घटना है। समाचार संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजय, क्या अपडेट अभी मिल रहा है इस घटना को लेकर, कैसे आग लगी और कितना नुकसान इसमें हुआ है? आग में बता दूं कि दिवाली के मौसम के चलते लगातार जो है इस तरह की आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं बता दूं कि शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुब्बारा फाटक इलाका है, वहां पर एक सैनिटरी का गोदाम है, वहां पर आग लगी है, जिसमें 5 से 7 लाख के बीच का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तमाम सारा सामान उसमें जला है। गनीमत यह रही कि यहाँ पर कोई जनहानि फिलहाल नहीं देखी जा रही है, लेकिन अहम बात यह है कि गली कूचों में जो कंजेस्टेड काफी तकरी गली थी, तो उसमें फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं तमाम सारे जो अधिकारी थे, तमाम सारी जो लोग थे, वो वहां पर जरूर पहुंच गए थे, लेकिन अहम बात यह है कि लगभग 6 गाड़ी से ज्यादा वहां पर, एक आधा दर्जन गाड़ी से ज्यादा वहां पर आगजनी में लग गई। तो काफी मशक्कत के बाद जो आग जब बुझी, तो कहीं ना कहीं जो सवाल भी तमाम सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि तकरी गलियों में इस तरह का गोदाम होना कहीं ना कहीं जो नियम कानून है उसको ताक पर रख के किया गया था। वहीं जो उससे आगजनी से निपटने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, लेकिन ये जांच के बाद हो पाएगा क्लियर। लेकिन उससे पहले महापौर जो शोभा शेखर वाले, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे, किशोर कल्याल पहुंच गए थे, तमाम सारे अधिकारी पहुंचे थे। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर जो शोरूम संचालक है, उसने जो आगजनी की घटना को लेकर, हालांकि उसने साफ तौर पर दिवाली के पटाखों की तरफ निशाना साधा है कि पटाखे से आग लगी है, लेकिन शोरूम के अंदर किसी भी तरह का फायर से संबंधित अलार्म सिस्टम इस तरीके का नहीं पाया गया, तो कहीं ना कहीं आग से बचने के इंतजाम वहां पर नहीं थे, तो इसके चलते आग फैली। और अहम बात यह है कि लगातार जो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है ग्वालियर में, ये तीसरी चौथी घटना है 2 दिन के अंदर, तो कहीं ना कहीं लगातार आग जनी हो रही है। और जो पटाखे है, पटाखों को उसको मूल कारण बताया जा रहा है। आगे जांच की बात है कि अधिकारी कह रहे हैं जांच करेंगे, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि किस तरीके से आग लगी है। जी संजय, ये आसपास का जो इलाका है, क्या रिहायशी है और आसपास की बिल्डिंग में भी कोई नुकसान की खबर है क्या इस आग से? बिल्कुल, पर आगे रिहायशी इलाका है और ये जैसा कि बताया जा रहा है कि पटाखों से आग लगी है। और अहम बात यह है, यहाँ पर एक देखने वाली बात यह भी है कि सकरी गलियों के अंदर जो है गोदाम बना हुआ था, और फायर ब्रिगेड वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंची, छोटी गाड़ियां पहुंची, बड़ी भी, हालांकि दमकल दस्ते को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन बस ये है जरूर कि इसमें बिना जो नियम कानून थे उनको ताक पर रखकर ये गोदाम बनाया गया रिहायशी इलाके में, तो कहीं ना कहीं जनहानि हो सकती थी जो फिलहाल बच गई है, क्योंकि दमकल जो फायर ब्रिगेड का रास्ता था उसने काफी मशक्कत की और पूरी मेहनत से जो आगजनी पर काबू पाया। लेकिन दहशत की यदि बात की जाए, तो पूरे इलाके के लोग जो आसपास के जो मकान है, आसपास की दुकान है, वो जरूर दहशत में रहे, पूरे तब तक आग लगी रही तब तक वो दहशत में रहे। जी संजय, शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। ग्वालियर से संवाददाता संजय हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, उन्होंने बताया कि इस गोडाउन में आग लगी है जो कि काफी अंदर सख्ती गलियों के अंदर था, और वहां तक फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की पहुंचने के लिए, लेकिन आखिरकार काबू पाया। किस तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है गोडाउन में आग लगने से।